हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। स्वागत है आप सबका हमारी न्यू वीडियो में। तो आज जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश की तरफ, तो आपको दिखाते हैं कहाँ पहुँचते हैं और क्या रहता है हमारा सफर। हेलो जी दोस्तों, पहुँच चुके हैं कुरुक्षेत्र और अब यहाँ से जा रहे हैं शाहबाद की तरफ। दोस्तों यहाँ पर शाहबाद से पहले रतनगढ़ गांव आता है, यहाँ मेरे चाचा जी रहते हैं, तो यहाँ उनको मिलने के लिए आए हैं और इसके बाद शाहबाद जाएंगे, फिर शाहबाद से जाएंगे आगे। दोस्तों शाहबाद पहुँच चुके हैं और यहाँ से अब जाएंगे हिमाचल प्रदेश की तरफ। तो आपको दिखाते हैं कि हिमाचल प्रदेश में हम कहाँ जा रहे हैं। ये देखो दोस्तों, शाहबाद मारकंडा पहुँच चुके हैं और आप लाइन देख सकते हैं, कितनी लाइन लगी हुई है, मेला लगा हुआ है यहाँ। संडे का दिन है और भीड़ बहुत ही ज़्यादा है, दूर दूर तक लाइनें लगी हुई हैं। बहुत भीड़ है भाई, बहुत ज़्यादा। ये देखो दोस्तों, यहाँ पर हर संडे को मेला लगता है और आप देख सकते हैं इस मंदिर की कितनी मान्यता है, कितनी ज़्यादा भीड़ यहाँ पर लगी हुई है। तो अब आपको इसके अंदर जाकर दिखाएंगे, अगर हमने अभी आके जाना है तो वापसी में दिखाएंगे आपको उसे। तो ये देखा दोस्तों आपने, मारकंडा नदी अपने फुल तूफान पर है और लोग पूजा कर रहे हैं यहाँ पर। बरसात का मौसम है तो अब चलते हैं आगे। दोस्तों ये साथ वाला रोड जाता है बालागढ़ की तरफ और हम हो गए हैं इसके साथ नीचे। राइट साइड मुड़ गए हैं और यहाँ से काड़ा हम बस थोड़ी दूर है, तो चलते हैं और दिखाते हैं आपको। पहले हम गए शाहबाद, शाहबाद से हम फ्लाईओवर के नीचे से हो गए राइट की तरफ और फिर वहाँ से आगे जाकर साहा से हम फिर राइट हो गए और अब हम सहजपुर की साइड जा रहे हैं जो नारायणगढ़ की तरफ पड़ता है। तो अब फिर हम वहाँ से राइट हो गए थे, हमने आपको सीन दिखाया जहाँ पर अम्बाला का बोर्ड था, और अब हम यहाँ से जाएंगे नारायणगढ़ की तरफ, फिर वहाँ से आगे आपको दिखाएंगे भी कहाँ जाना है। तो रास्ते में वो जो हमने आपको चौक दिखाया है उससे आपने फिर लेफ्ट की तरफ हो जाना है और वही रास्ता जाता है नारायणगढ़ की तरफ। पंगे तो जी पड़े रहते हैं, गलत रास्ते पर आ गए थे हम,
काले आम जाना था, काले आम उधर से। तो गलती से हम ज्यादा आगे चले गए थे, आपने पुल पार नहीं करना, उस चौक पर तो जाना ही नहीं है बिल्कुल भी, तो पीछे रास्ता है राइट की तरफ जाने का, तो उधर से आपको दिखाते हैं कि किस साइड लेफ्ट लेना है, लेफ्ट लेना है या राइट लेना है, जो भी लेना है। बहुत करते हैं इसलिए ध्यान से करना, काला पुलिस किलोमीटर निकले 100 किलोमीटर चलते हैं और दिखाते हैं आपको अगले कुछ हमारे पीछे। दोस्तों नारायणगढ़ पहुंच चुके हैं, काला हम यहाँ से रह गए 10 किलोमीटर और फिर काले आप चलते हैं, बिल्कुल सीधा ही जाना है, कहीं नहीं मुड़ना, बिल्कुल सीधी सड़क है, साफ सुथरी सड़क है, खुली सड़क है, पूरे नजारे हैं। रेड लाइट, ओह माय गॉड, तो दोस्तों अब पहुंचे हैं कालाम और धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा है यहाँ और काफ़ी जानवर भी घूम रहे हैं आसपास, और यहाँ से अब हम जाएंगे त्रिलोकपुर की तरफ, तो आपको त्रिलोकपुर जाकर नहीं कैसा है। ये देखो दोस्तों श्रद्धालु आ रहे हैं वहाँ से वापस माता रानी के मंदिर से, और यहाँ पर शायद हमें परमिट लेना पड़ेगा। तो अगर आप बाइक से आते हैं तो फिर कोई पहल लगता है आपका, फ्री एंट्री है बिल्कुल, और हम आए हैं बाइक से ही, तो हमारी भी फ्री एंट्री, और हम जा रहे हैं त्रिलोकपुर की तरफ। ये देखो दोस्तों त्रिलोकपुर रोड पर हैं हम, और काफ़ी बढ़िया सड़क है, चढ़ाई भी स्टार्ट हो गई है हल्की हल्की यहाँ से। चढ़ाई हो गया स्टार्ट, बाइक पे आएगा मज़ा, पीछे आसे पासे चारों पासे पहाड़ी पहाड़, और बरसात का मौसम है, सावन का महीना है, मज़ा आ रहा पूरा। त्रिलोकपुर में एंटर कर चुके हैं माता बाला समुद्र, चढ़ाई देखो जी चढ़ाई, क्या बात है। ये देखो दोस्तों कितनी भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं, आप गाड़ियों की पार्किंग से देख सकते हैं, तो ये देखो बस भी भर कर गई है यहाँ से, और ये स्वागत है आपका मंदिर त्रिलोकपुर में।
तो ये वाले रास्ते दोस्तों हम ऊपर आए हैं, वहाँ सामने बाइक पार्किंग लगाई है हमने, और ये रास्ते आता है दरबार की तरफ। चढ़ाई है यहाँ पर काफ़ी, देख सकते हैं आप, और काफ़ी ज़्यादा ही चढ़ाई है। और देखो ऊपर तक बाइक तो बहुत मुश्किल से जाती होगी ऊपर यहाँ। ये देखो दोस्तों यहाँ मार्केट लगी हुई है, यहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं माता रानी के दरबार के चढ़ाने के लिए, और चढ़ाई बहुत ज़्यादा है। ये दोस्तों मुख्य मंदिर में की तरफ पहुंच चुके हैं और अब अंदर जा रहे हैं। ये देखिए लिखा हुआ है मुख्य मंदिर। तो दोस्तों पहुंच चुके हैं त्रिलोकपुर में माता रानी के दरबार में। हमने आपको अपना करनाल से त्रिलोकपुर तक का सफ़र दिखाया और ट्रैकिंग कर करके सांस चढ़ चुका। तो ये वीडियो होती है यहीं ख़त्म, और अगली वीडियो जो आएगी वो आएगी दरबार के ऊपर। दरबार के अंदर के सीन आपको दिखाएंगे सारे और दरबार के बारे में दिखाएंगे। तो ये एंट्री है और इसको हम करते हैं ये ख़त्म। टाटा बाय बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी चैनल को करो लाइक सब्सक्राइब शेयर। थैंक यू।